जिला मुख्यालय के कारोबारियों ने नई पहल करते हुए जिला प्रशासन से हमीरपुर नगर परिषद में अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई है ताकि सड़कों पर लोगों को आसानी से सुरक्षित आवाजाही मिल पाए। नव निर्वाचित व्यापार मंडल हमीरपुर ने उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा से मुलाकात कर शहर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। व्यापार मंडल ने उपायुक्त को आश्वस्त भी किया है कि वे जिला प्रशासन की हर जन सेवा के कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही कारोबारियों और स्थानीय लोगों की उपभोक्ताओं की समस्या को सुलझाने की भी उन्होंने मांग उठाई। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शहर में तीन समय सुबह 8:30 से 9:30, दोपहर को 2:30 से 3:30 और शाम को 5:30 से 7:30 तक शहर में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहती है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुबह व दोपहर को पाबंदी उचित है, लेकिन शाम के समय में शहर में वाहनों की पाबंदी न्याय उचित नहीं है। इससे जहां दुकानदारों को परेशानी हो रही है, वहीं कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापार मंडल ने कहा कि शहर में गांधी चौक से लेकर अस्पताल चौक तक वन वे को सख्ती से पालन किया जाए और वाहनों की गति सीमा 20 से अधिक ना हो और वाहनों पर नजर रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग हो। उन्होंने मांग की है कि शहर में 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाए और शाम को 5 से 7:30 तक के बीच वाहनों पर प्रतिबंध हटाया जाए। हिमाचली लोक गायक रजत बीज की नई पहाड़ी एल्बम टशन पहाड़ांदा यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। एल्बम में गाना रजत बीज द्वारा लिखा गया है और गाया भी उन्हीं के द्वारा गया है। नशे के खिलाफ फिल्माए गए इस पहाड़ी गीत का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। पहले 2 दिन में ही यूट्यूब पर करीब 30,000 लोगों ने इसे पसंद किया है। एल्बम के रिलीज के और प्रमोशन के लिए HRTC निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री भी हमीरपुर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस वीडियो सॉन्ग में लोक गायक रजत बीज और एक्ट्रेस नेहा चौधरी नशे के खिलाफ आवाज उठाते हुए परिवार में इसके दुष्प्रभावों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस गाने को म्यूजिक परमजीत पम्मी ने दिया है। इससे पहले भी निक्कर वाली क्वीन एल्बम में भी लाखों लोगों ने रजत बीज के गाने को काफी पसंद किया था। रजत बीज ने इस एल्बम के बारे में बताया कि इस पहाड़ी गीत में एक शराब के आदि व्यक्ति को ये एहसास करवाते हुए बताया गया है कि दारू पीने से उसके परिवार के सदस्य खुश नहीं है। उन्होंने युवाओं को नशा त्याग कर अपना जीवन सुधारने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले कायर होते हैं और निरंतर से नशा छोड़ने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। वहीं पहाड़ी एल्बम की रिलीज के लिए पहुंचे HRTC निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने रजत बीज को शुभकामनाएं दी और कहा कि पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रजत काम कर रहे हैं, जो कि बढ़िया प्रयास है। सोलन में हिमाचल उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या धमाकेदार रही, जिसमें उपस्थित दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में उद्योगपति रामलाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वहीं विजेंद्र गर्ग विशिष्ट अतिथि रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जहां एक और स्थानीय युवाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी, वहीं हिमाचल के जाने माने दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार के भारद्वाज, अनुषा जोशी, हिमाचल आइडल सुदर्शना दीवान, राजेश बबलू और सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र नीटू ने एक से एक के बाद मधुर गीत गाकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया।
गीता आदर्श विद्यालय, यूरो किड्स सोलन पब्लिक स्कूल और जीनियस ग्लोबल स्कूल ने दर्शकों में नृत्य के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा जगाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामलाल गर्ग ने आयोजन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उपस्थित दर्शकों को हिमाचल उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की परंपराओं को इस तरह के उत्सव ही जीवित रखे गए हैं, लेकिन इस तरह के उत्सव भविष्य में होते रहें, इसलिए हमें इन संस्थाओं की मदद के लिए भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए। मन से बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। पर ऐसे अवसरों पर जरूरत इस बात की भी है कि हम सब लोग जो इसका आनंद भी उठाते हैं, इसका इसमें भागीदार भी बनते हैं, इसको और आगे बढ़ाने के लिए ऐसी संस्थाओं का सहयोग भी हम सबको करना चाहिए।